समय की पाबंदी नहीं है। नोएडा के ट्विन टावर मलबे में तब्दील, 3700 किलो बारूद से दोनों टावर जमी दोस्त, 15 करोड़ में बिकेगा मलबा, पास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपर टिक किए हुए ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे ढा दिए गए हैं। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजल जोन से हटाया गया। सबसे पहले देखिए ट्विन टावर गिरने के वक्त एक्सप्लोजल साइट पर नज़ारा कैसा था। बता दें, टावर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रुकी रहेगी। यहां नोएडा पुलिस के 560 से ज़्यादा जवान तैनात हैं। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी तैनात की गई थी। ब्लास्ट के बाद इलाके में पॉल्यूशन लेवल मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है। बता दें, ट्विन टावर को गिराने के लिए विस्फोट की जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, उसकी खासियत यह रही है कि आसपास की किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। घनी आबादी के बीचों बीच बने दोनों टावर अपनी जगह पर जमींदोज हो गए और केवल धूल का गुबार ही नज़दीकी इमारतों तक पहुंचा। तो चलिए अब आपको बताते हैं ट्विन टावर से जुड़े सारे अपडेट्स। ट्विन टावर के पास की 2 सोसाइटी में ब्लास्ट से पहले रसोई गैस और बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी। नोएडा पुलिस के एहतियात ग्रीन कॉरिडोर बनाए थे। एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात की गई थी। एक्सप्लोजल जोन में 560 पुलिसकर्मी, रिजर्व फोर्स के 100 लोग और 4 क्विक रिस्पॉन्स टीम समेत NDRF टीम भी तैनात की गई। दोपहर 2:15 में एक्सप्रेस वे को बंद किया गया। आधे घंटे बीतने के बाद प्रशासन की सलाह पर ही इसे खोला जाएगा। एक्सप्रेस वे के अलावा 5 और रूट बंद किए गए हैं। आसपास के रास्तों पर धूल हटने के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 9971100901 जारी किया है। हम आपको 5 अपडेट्स बताएंगे जिससे आपको पता लग सकेगा कि ट्विन टावर कैसे बने और इन्हें क्यों गिराया गया। नंबर 1, 10 मंजिल की इजाज़त, 40 मंजिल के 2 नए टावर बना दिए। 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सुपर टिक को हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए प्लॉट अलाट किया था। 2005 में बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ, इसमें 10 मंजिल के 14 टावर बनाने की इजाज़त थी। 2006 में सुपर टिक ने प्लान में बदलाव कर 11 मंजिल के 15 टावर बना लिए। नवंबर 2009 में प्लान फिर बदल कर 24 मंजिल के 2 टावर शामिल कर लिए गए। मार्च 2012 में 24 मंजिल को बढ़ाकर 40 कर लिया। जब रोक लगी तब तक इनमें 633 फ्लैट बुक हो चुके थे। नंबर 2, हाई कोर्ट ने 8 साल पहले ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया। टावर से सटी एमरेल्ड गोल्ड सोसाइटी के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट उदय भान सिंह तेवतिया ट्विन टावर का मामला कोर्ट में ले गए। उन्होंने 2012 में अवैध निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 2014 में ट्विन टावर को अवैध घोषित कर गिराने का आदेश दिया। कहा कि जिन लोगों ने यह फ्लैट बुक किए हैं उन्हें 14% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाया जाए। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में टावर गिराने का आदेश दिया। गिरे अब सुपर टेक बिल्डर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और 31 अगस्त 2021 को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 को टावर गिरा दिया जाए। नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट में कहा कि 22 मई 2022 तक ये काम कर लिया जाएगा। आखिर में इसकी तारीख 28 अगस्त 2022 को तय हुई। याचिका लगाने वाले तेवतिया के मुताबिक टावर टूटने के फायदे 3 महीने बाद दिखने लगेंगे। नंबर 4, गिराने के लिए 2 कंपनियों से करार, इनमें एक साउथ अफ्रीका की। टावर गिराने का काम भारत की एडिफाइज और साउथ अफ्रीका की कंपनी जेट डिमोलिशन को मिला। जेट कंपनी को मुश्किल डिमोलिशन के 5 अवार्ड मिल चुके हैं। वह जोहान्सबर्ग में 108 मीटर ऊंची बैंक ऑफ लिस्बन की बिल्डिंग, साउथ अफ्रीका में ही एक पावर स्टेशन और राजधानी प्रिटोरिया में घनी आबादी में बने 14 मंजिला ट्विन टावर गिरा चुकी है। एडिफाइज भी गुजरात का ओल्ड मोटेरा स्टेडियम गिरा चुकी है। नंबर 5, टावर में 9,800 छेद किए, हर छेद में करीब 1400 ग्राम बारूद भरा गया।
एडिफाइज के डायरेक्टर उत्कर्ष महेश्वरी के मुताबिक सुपर टेक का एक टावर 29 और दूसरा 32 मंजिला का है। दोनों टावरों में 9,800 छेद किए गए। हर छेद में करीब 1400 ग्राम बारूद डाला गया। कुल 3700 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। इसमें 325 किलो सुपर पावर जेल, 63,300 मीटर सोलर कार्ड, सॉफ्ट ट्यूब, जिलेटिन रॉड, 10,900 डेटोनेटर और 6 EID शामिल है। इस पर करीब 17,55,00,000 रूपए खर्च हुए। यह खर्च भी सुपर टेक से ही लिया जाएगा। बता दें, वही एक्सप्लोजल जोन की निगरानी के लिए एक बस में मोबाइल इंसिडेंट कमांड सेंटर बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल नोएडा के DSP एस राजेश ने संभाली। उन्होंने बताया कि ट्विन टावर के आसपास एक्सक्लूजन जोन में सुबह 7 बजे से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। ट्विन टावर के सामने और आसपास 7 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनकी फील्ड कमांड सेंटर पर ऑब्जर्व की जा रही है। भारत में इससे पहले इम्प्लोसिव टेक्निक से इतना बड़ा डिमोलिशन कभी नहीं हुआ। रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।